subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. प्रभात बच्चों, इससे पहले द्वितीय विभक्ति को हमने पूर्ण किया था। द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत जो भी सूत्र थे उसको देखा था। अब हम प्रवेश करते हैं तृतीय विभक्ति में, यानी करण कारक में। करण कारक के लिए कहता है कि साधकतम करणम। साधक को करण कहते हैं। साधक अर्थात वह साधन या माध्यम, वह साधन या माध्यम जिसकी सहायता से हम किसी भी कार्य को पूर्ण करते हैं। कार्य हम का आम खाते हैं, आम खाने में हमारी सहायता कौन कौन करता है? मुंह करता है, दांत करता है, हाथ करता है। तो ये जो साधक हुआ जिसकी सहायता से हम कार्य को पूर्ण करते हैं उसे करण कहते हैं। वह साधन या माध्यम जिसकी सहायता से हम कार्य को पूर्ण करते हैं उसे करण कहते हैं। और करण ही तृतीया, जो भी करण होगा, करण कारक जो भी होगा उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो वह साधन या माध्यम जिसकी सहायता से हम कार्य को पूर्ण करते हैं, ध्यान दे रहा है, जिसकी सहायता से, जैसे हम लिखते हैं कलम की सहायता से, हाथ की सहायता से, पढ़ते हैं मुंह की सहायता से, किताब की सहायता से। तो जो साधन होता है जिसकी सहायता से हमको कार्य में संपादित करने में सहायता मिलती है उसे करण कहते हैं। और करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उसके बाद होता है, इससे पहले द्वितीय विभक्ति प्रथमा विभक्ति में मैंने एक चीज कहा था कि वाच्य परिवर्तन जिसमें कर्ता कारक में प्रथमा, कर्म में द्वितीय और कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। और वही चीज कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति। अगला सूत्र कहता है अनुक्ते कर्तरी तृतीय। अनुक्ते कर्तर तृतीया, अर्थात कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। अर्थात अनुक्त मतलब प्रधानता जब गौण हो जाता है, वह कर्मवाच्य में कर्ता की प्रधानता गौण हो जाती है, कर्म प्रधान हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में कर्मवाच्य में, एक शब्द में समझिए, कर्मवाच्य में कर्ता कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य कर्तृवाच्य से पहले कहते हैं कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति और कर्म के अनुसार क्रिया। और ये जो कर्ता है अनुक्ते कर्तरी, वो कहता है कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति। कर्ता में तृतीय विभक्ति और कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके बाद आता है सहार्थे तृतीय। सहसाकम समम सार्धम, सह मतलब होता है साथ, साथ साथ साथ, इस चारों का अर्थ होता है साथ, विथ अंग्रेजी में विथ कहते हैं। सह मतलब साथ, हम जिसके साथ, जैसे राम के साथ तो राम में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। भोजन के साथ पानी भी पियो तो भोजन में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। पढ़ने के साथ लिखो भी तो पढ़ने में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। यानी हम जिसके साथ अन्य कोई भी चीज करते हैं तो जिसके साथ हम करते हैं उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उसमें सह के योग में सह भी हो सकता है, उसी अर्थ में साकम भी प्रयोग होता है, समम भी प्रयोग होता है, साधम भी प्रयोग होता है। सबसे ज्यादा सह का प्रयोग होता है, उसके बाद साकम का प्रयोग होता है। रामे की साकम सीता वनम अगच्छत, राम के साथ सीता बन गई। रामे ने सह सीता वनम अगच्छत, राम के साथ सीता बन गई। रामे ने समम सीता वनम अगच्छत। यानी हम इनमें से कोई भी शब्द रखेंगे अर्थ साथ का ही देगा। और जिसके साथ हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। सह साकम समम साधम, सह के अर्थ में जिसके साथ हम कोई कार्य करते हैं उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे राम के साथ अध्ययन के साथ तो अध्ययन सह, लेखनम अपि करो, पढ़ने के साथ लिखाई भी करो, ठीक है। अगला सूत्र कहता है अपवर्गे तृतीया। अगला सूत्र है
अपवर्गीय तृतीया। द्वितीय विभक्ति में एक सूत्र हमने पढ़ा था, काला ध्वनो और अत्यंत संयोगे द्वितीया, अर्थात कालवाची और मार्गवाची शब्द यदि अत्यधिक अनवरतता का द्योतक है तो उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उसी समय मैंने कहा था कि उसमें कार्य संपादन का तो है, फल प्राप्ति का अर्थ नहीं है, और वो चीज यहां है, उसी सूत्र से संबंध है। ये अपवर्ग यानी फल प्राप्ति को अपवर्ग कहते हैं। जब हमें रिजल्ट मिल जाता है, फल प्राप्त हो जाता है, तो उसे अपवर्ग कहते हैं। वही चीज कालवाची और मार्गवाची, कालवाची और मार्गवाची शब्द यदि फल को द्योतक है, फल को दिखा देता है, रिजल्ट दे देता है, तो उसे अपवर्ग कहते हैं, और अपवर्ग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मासेन अधिकतम व्याकरणम, मासम अधिकतम व्याकरणम द्वितीय विभक्ति में हमने पढ़ा कि उसने एक महीने तक व्याकरण पढ़ा, उसमें फल प्राप्ति का अर्थ कहीं नहीं है कि उसे आ गया, उसने पूर्ण कर दिया। लेकिन यहां पर कहता है मासेन अधिकतम व्याकरणम, ये संकेत करता है कि उसने एक ही महीने में व्याकरण को पढ़ लिया, यानी व्याकरण पूर्ण हो गया। क्रोशेन कुटिला नदी, क्रोशेन जैसे ही कहा, इसका मतलब है कि एक कोस के बाद नदी सीधी हो गई है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। क्रोशम कुटिला नदी, कहता है एक कोस तक नदी टेढ़ी मेढ़ी है, उसके बाद टेढ़ी है कि सीधी है उसका कोई अर्थ यहां पर द्योतक नहीं है। क्रोशेन कुटिला नदी ये स्पष्ट कहता है कि एक कोस के बाद नदी सीधी हो गई है। तो वही चीज अपवर्ग यानी फल प्राप्ति, जब हमें किसी कार्य से फल का बोध हो जाता है, फल प्राप्त हो जाता है, तो उसे अपवर्ग कहते हैं। अपवर्ग तृतीय विभक्ति में लगता है, अपवर्ग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। वही कालवाची और मार्गवाची शब्द के अर्थ में, कालवाची और मार्गवाची शब्द यदि फल का द्योतक है तो उसे अपवर्ग कहते हैं, और उस अपवर्ग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे क्रोशेन कुटिला नदी, मासेन अधिकतम व्याकरणम, वर्षेण पचतम शास्त्रम, जो भी अनेक उदाहरण हो सकता है। तो यही हुआ अपवर्ग। अगला सूत्र है ये नांग विकार, ये नांग विकार कहता है, ये अंगेन विकार प्रकृति भवती, जिस अंग शरीर में अनेक सारे अंग हैं, जिस अंग विशेष में किसी बीमारी का ज्ञान हो, जैसे काना है तो नेत्र से है, बहरा है कान से है, लूला है हाथ से है, लंगड़ा है पैर से है, कुबरा है पीठ से है, यह चीज कहता है कि जिस अंग विशेष में किसी बीमारी का बोध हो, अंग ये न अंगेन विकार प्रकृति भवति, जिस अंग विशेष में, जैसे नेत्रेन काना, नेत्राभ्याम अंधा, काना है इसका मतलब है उसका एक ही आंख खराब है, एक आंख उसके ठीक है, तो जिसकी एक आंख खराब हो वह काना कहलाता है, और जिसके दोनों आंख वो अंधा कहलाता है। तो जब अंधे का द्योतक होगा तो द्विवचन में जाएगा, क्योंकि ये अंग की संख्या क्या है, दो है। हस्ताभ्याम, हस्तेन भी प्रयोग कर सकता है, किसी एक ही हाथ में वो विकलांग हो, एक हाथ सही हो। पदभ्याम, पादेन, पादेन खंजा कर सकते हैं, पदभ्याम खंजा कर सकते हैं, क्योंकि यदि एक पैर से है तो पादेन का प्रयोग होगा, और यदि दोनों पैरों से है तो पदभ्याम होगा। पृष्ठेन एक ही पीठ है, नित्य एक वचन में होगा, पृष्ठेन कुब्जः। अनेक तरह से जो भी शरीर का अंग है उसमें जब किसी बीमारी की बात की जाती है तो जिस अंग में किसी बीमारी की चर्चा की जाती है उस अंग विशेष में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण हमने कहा है ना कि नेत्रेन कानः प्रतीयते, नेत्राभ्याम अंधः आगच्छति, नेत्राभ्याम अंधः आगच्छति। कर्णेन बधिरः, किसी का एक कान खराब होता है, एक कान सही होता है, किसी के दोनों कान खराब हो जाते हैं, तो कर्णेन का प्रयोग कर सकते हैं या कर्णाभ्याम का प्रयोग कर सकते हैं। कर्णाभ्याम जब दोनों कान खराब हो जाए, कर्णाभ्याम बधिरः गच्छति न श्रृणोति, वह जा रहा है सुनता नहीं है,
सावधान मनसा चल, ध्यान देकर के चलिए। पागे ने खंजा तुम तत्र किम करोशी, ए पैर से लग रहा तुम वहां क्या कर रहे हो। अनेक तरह के उदाहरण हो सकते हैं। उसके बाद एक चीज मैंने कहा था और द्वितीया विभक्ति में बिना पृथक ईश्वर का एक प्रयोग किया था, पृथक बिना नानाभि तृतीया व्यंतरस्याम, पृथक बिना, पृथक बिना और नाना, पृथक बिना और नाना, इस तीनों का अर्थ होता है अभाव। पृथक अलग, अभाव बिना अभाव, इन शब्दों के योग में जिसके अभाव की बात की जाती है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त इन शब्दों के योग में द्वितीया और पंचमी, आप पीछे पलट करके कॉपी देखिएगा, इस चीज की चर्चा मैंने की थी कि बिना के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी, इन तीनों शब्दों का, विभक्तियों का प्रयोग होता है। इस शब्द के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी, तो इन शब्दों के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। आप जिस भी विभक्ति में चाहें, जैसे रामेण बिना अयोध्या शून्या, रामम बिना अयोध्या शून्या, रामार्थ बिना अयोध्या शून्या, ज्ञानम पृथक हृदय शून्य है, ज्ञानेन पृथक हृदय शून्य है, अज्ञानार्थ पृथक हृदय शून्य है, ज्ञानम पृथक ज्ञानार्थ पृथक या ज्ञानेन पृथक। तो जो भी शब्द हम रखेंगे, जिस भी विभक्ति में रखेंगे, द्वितीया में रखेंगे तब भी हमारा वाक्य सही होगा, तृतीया में रखेंगे तब भी हमारा वाक्य सही होगा, और पंचमी में रखेंगे तब भी हमारा वाक्य सही होगा। पृथक बिना और नाना, इन शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके साथ इसमें द्वितीया विभक्ति भी और पंचमी विभक्ति का भी प्रयोग होता है। और एक कहता है हेतु तृतीया पंचमी च, हेतु तृतीया पंचमी च, हेतु, हेतु मतलब होता है कारण, हेतु कारण, किस हेतु आपका आगमन हुआ, तो हेतु कारण, किस कारण से आपका आगमन हुआ, हेतु किस कारण से आप रो रहे हो, किस कारण से आप फंस रहे हो, कोई कारण होता है ना, तो वह कारण विशेष जिसके फलस्वरूप हम कोई कार्य करते हैं, उस कारण में जो कारण होता है, कार्य संपादन में जो कारण होता है, उस कारण में तृतीया विभक्ति या पंचमी विभक्ति, हेतु। इस कारण में कहता है कि हेतु शब्द का प्रयोग जब हम करेंगे, हेतु हर्षात हेतु, हर्षेण हेतु, क्रोधेण हेतु, क्रोधात हेतु, हेतु शब्द का जब प्रयोग करेंगे तो उसमें तृतीया विभक्ति और पंचमी विभक्ति, दोनों विभक्ति में से कोई एक विभक्ति का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे हर्षेण हर्षात्मा, हर्षेण हेतु प्रसन्न बालक गच्छति, हर्षात हर्ष के कारण बालक जा रहा है, हर्ष के कारण बालक आ रहा है, जो भी लिखेंगे तो हर्षेण भी लिखेंगे, हर्षात भी लिखेंगे। और इसके बाद एक इत्थम भूत लक्षणम या उपलक्षणम, कहता है इत्थम भूत लक्षणम, शरीर का वह निशान, वह वस्तु जिसके कारण हम किसी को पूर्व से नहीं जानते हुए भी उसके बारे में अनुमान लगा लेते हैं कि वह फलाना है, वेशभूषा से, आवरण से, बोलचाल से, स्वभाव से, तो वह चीज उपलक्षण कहलाता है।
उपलक्षण एक तृतीया, उपलक्षण में तृतीया, जैसे बहुत बड़ा जगह है, वस्त्र साधुओं सा है, तो हम नहीं भी जानते हैं तब भी कहेंगे कि कोई महात्मा कोई साधु जा रहा है, स्कूल यूनिफॉर्म में है और उस बैग है, बैग में बुक है, कहेंगे कि स्कूल का छात्र या स्कूल की छात्रा जा रही है, पुस्तक के साथ जब भी है अवस्था है, 8 साल 10 साल 12 साल कहेंगे कोई स्टूडेंट जा रहा है जा रही है, तिलक लगाए हुए है, धोती कुर्ता पहने हुआ है, कहेंगे तिलकेन ब्राह्मण प्रतीयते, ब्राह्मण तिलक से ब्राह्मण मालूम हो रहा है, वस्त्रेण सज्जन प्रतीयते, किसी का पहनावा ऐसा अच्छा लग रहा है, कहे कि देखने में अच्छा लग रहा है, इसका मतलब है वो सज्जन व्यक्ति है, कहते हैं ना देखने सुनने में लगते हो कि किसी अच्छे परिवार से हो, अनुमान करते हैं ना हम लोग, कई बार देखे सुने होंगे सिनेमा में सीरियल में डायलॉग सुने होंगे, तो वो चीज शरीर का वह उपलक्षण जिसको देख करके हम किसी से पूर्व परिचित न होते हुए भी यदि हम उसके बारे में अनुमान लगा लेते हैं तो उस उपलक्षण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। इस तरह से तृतीया विभक्ति हमारा पूर्ण होता है। तृतीया विभक्ति के अंतर्गत जो भी सूत्र हमने बताया है उसको देख लीजिएगा, उसके आधार पर अभ्यास कर लीजिएगा, जहां कहीं समस्या हो आप हमसे पूछ लीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।